गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को पड़ रहा है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत सभी व्रतों में कठिन माना गया है। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है और पूरे दिन निर्जला और निराहार रहने के बाद शाम को चंद्रमा देखने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू धर्म में हर सुहागिन महिला को ये व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इसको करें या नहीं, और अगर करें तो कैसे करें, क्योंकि आम तौर पर गर्भावस्था में कोई भी व्रत करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत को लेकर स्त्रियां हमेशा परेशान रहती हैं। तो आइए आप जानते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए या नहीं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन गर्भावस्था में पूरा दिन बिना खाए पिए रहना शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होता है। ऐसे में इस दौरान आप व्रत करें या ना करें, ये हमेशा आपके दिमाग में चलता है, लेकिन माँ करवा से अपने सुहाग की रक्षा की कामना के लिए रात के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहती हैं या फिर आपके घर में बड़े आपको व्रत करने को बोल रहे हैं, तो आप पूरा दिन निर्जला रहने की बजाय आप थोड़ी देर में फल खाती रहें और छाछ या नारियल पानी जैसे हेल्दी ड्रिंक लेती रहें। इससे आपको तो ताकत मिलेगी ही, साथ ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह आप सभी जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप व्रत ना रखें। इसके साथ ही करवा चौथ की सुबह लेने वाली सरगी का खास ख्याल आप लोगों को रखना है। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से इस बात का ध्यान दीजिए, आप लोग महिलाएं सरगी में ऐसी चीजें खाएं जो आपको पूरा दिन एनर्जी दे, जैसे कि आप सरगी चाय या कॉफी का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बदले में आप दूध पी सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दिन आराम करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कमजोरी होती है। ऐसे में आपका आराम करना बच्चे के लिए आपके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। प्रेगनेंसी में व्रत के दौरान मतली या सिर दर्द या फिर सिर चकराना आम बात है, और अगर आप लोगों को व्रत रखने पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप आराम करें और फल खाएं और पानी पिए। अगर आपके भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप व्रत तोड़ने में बिल्कुल भी हिचके नहीं, क्योंकि व्रत को पूरा करना आपके या आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाएं इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दें और बहुत ही सोच समझ के माँ करवा का व्रत रखें, करवा चौथ का व्रत रखें। इसके अलावा जो महिलाएं डायबिटीज के मरीज हैं, उनको भी करवा चौथ का व्रत रखने से बचना चाहिए। डायबिटीज में व्रत रखने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से, जी हाँ आपके जो भी डॉक्टर है घरेलू या बाहरी, उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। साईं प्रभु, साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु, नमो श्री साईं प्रभु नमः, नमो नमो श्री साईं प्रभु नमः, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, नमो नमो श्री साईं प्रभु नमः।
तूने तिलक लगाया, पानी से दीपक है जलाया, कड़वे नीम को मीठा है बनाया, शिरडी में चमत्कार है दिखाया। साईं प्रभु ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु ओ मेरे साईं प्रभु। ओम नमो।